नमस्कार दोस्तों, आज मैं गांव में शुरू होने वाले 6 ऐसे बेहतरीन बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो अभी तक आपने गांव में नहीं सुना होगा। आज मैं गांव की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि गांव में बहुत सारी आबादी ऐसी है जो शहर जाकर अपने घर से दूर जाकर 10,000-15,000 रुपए के लिए नौकरी करती है। बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान भी बाहर जाकर कुछ हजार रुपयों के लिए काफी कड़ी मेहनत करते हैं, अपने बॉस को रिझाने में लगे रहते हैं। ऐसे में जो 6 बिजनेस है, जो कि हर एक बिजनेस एक से बढ़कर एक है, लाजवाब है, इसमें से किसी एक को पकड़ के या जितनी आपकी क्षमता हो उसमें से शुरू करके जब आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप लाखों लाख रुपए हर महीने के कमा पाएंगे। पहले आइडिया क्या है वो एक एक करके आप जान लीजिए, खुद ब खुद आप कहेंगे कि हर एक आइडिया एक से बढ़कर एक है। दोस्तों, पहला आइडिया है मैन पावर सप्लाई। क्या होता है ये? तो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से मेहनत करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि बड़े से बड़े काम को भी वो छोटे से छोटे समय में पूरा कर सकते हैं। और आए दिन अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े काम होते भी रहते हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे होते हैं, कहीं पेंटिंग करनी होती है, कहीं माल ढुलाई हो, कोई साइट बन रहा हो, उन सारे जगहों पे लोगों की जरूरत पड़ती है। अपने गांव में या आसपास के गांव से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने शारीरिक क्षमता के आधार पे कमाते हो, सबका फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक डायरी रखिए, सबका नाम, नंबर, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ जो आप उनसे ले सकते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट लेकर अपने पास रख लें, उनका रजिस्ट्रेशन कर लें और बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रचार करें। अलग अलग जगहों पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उन सारी जगहों पे आप जाकर प्रचार कीजिए। उनको जाकर बताइए कि हमारे पास मैन पावर है, अगर आपको लोग चाहिए, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग या फिर 50 लोग, जो भी चाहिए काम करने के लिए, मैं काफी आसानी से आपको अवेलेबल करा सकता हूं, हमारी कंपनी चल रही है, ऐसा बोलकर आप उनसे डील कर सकते हैं। और फिर आपकी कमाई यहां कैसे होगी? तो आप दो तरफा कमा सकते हैं। जहां भी डील फाइनल होती है तो जो यहां से लोग आप भेजे हैं उनसे मामूली पैसे लीजिएगा। ये लोग मजदूर होते हैं, इनसे कम पैसे लिए कमीशन के तौर पे, और जो कंपनियां हैं उनसे आप 100-300 रुपए बढ़ाकर कम से ले लीजिए। तो ये एक प्रकार का बिजनेस है जो गांव में काफी ट्रेंड करेगा, कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों, दूसरा बिजनेस है बुक सप्लाई इन स्कूल्स। गांवों में रहकर इस बिजनेस को करने वाले कोई नहीं है आज के डेट में, मैंने देखा है। और गांव में स्कूल्स बहुत है, स्कूल्स तो हर एक जगह बहुत है। एक शहर के अंदर 10 स्कूल्स, 20 स्कूल्स पाए जाते हैं। ऐसे में आप शहर जाकर किसी बड़े प्रिंटिंग प्रेस में जाकर काफी सस्ती किताबें, जैसे जीके, मैथ, साइंस, अमेजिंग फैक्ट, कहानियां, पहेलियां, इन तरह की जो भी किताबें हैं, गुड इंग्लिश है, मैथ्स है, इन सारी किताबों को आप लेकर आकर स्कूल्स में सप्लाई दे सकते हैं। स्कूल में मास्टर्स को नहीं देना है, आप उन स्कूल में जाके ऑर्गेनाइज करिए, उनसे पूछिए कि क्या मुझे आप आधे घंटे का समय दे सकते हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए। उन बच्चों से डायरेक्ट मिलिए, उनको बताइए कि आपके लिए काफी काम की किताब है, मात्र 15 रुपए की है, मात्र 20 रुपए की है, आप जो भी लोग आज पैसे रखे हैं वो अभी हमसे खरीद लें, या फिर जिनको खरीदने की इच्छा है वो अभी पैसे नहीं रखे हैं तो फिर वो अगले दिन जाकर लेकर आइए और ये बुक आपको मिल जाएगा स्कूल से। अगले दिन वापस वहां पर जाइए किताब लेकर, जो लोग भी पैसे लेकर आए हैं उनको सेल कीजिए। 500 बच्चे जैसे स्कूल में, उसमें से निश्चित रूप से 300-400 किताबें आप बेच देंगे। और अब मैं प्रॉफिट की बात बताऊं तो इन किताबों को जो गुड इंग्लिश आप देख रहे हैं, जो जीके देख रहे हैं, जो भी हिंदी इंग्लिश में सामान्य ज्ञान है वो सब देख रहे हैं, मैथमेटिक्स देख रहे हैं, इन सारी किताबों की छपाई में मुश्किल से 1-1.5 रुपए और 2 रुपए के खर्चे आते हैं, जबकि 15-20 रुपए में सेल होते हैं। तब है कि आपको ये किताबें कहां से मिले, आप गूगल पे जाइए, वहां सर्च कीजिए गुड इंग्लिश विक्रेता, होलसेल में आपको मिल जाएंगे, 1.25 रुपए में आपको एक गुड इंग्लिश मिल जाएगी, उसको मार्केट में 10 रुपए तक आप आराम से बेच सकते हैं, तो आप यहां से काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, गांव के लिए जो तीसरा बिजनेस मैं बता रहा हूं काफी लाजवाब है, ऐसा तो है ही नहीं आपके गांव में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और वो है प्लेस्टेशन फॉर किड्स। गांव में बच्चों को कंप्यूटर चलाना तो दूर, उनको देखना और छूना भी मुश्किल होता है, उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे में अगर उनको कंप्यूटर ऑपरेट करने का मौका मिले, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो शहर के हो, गांव के हो, उनका दिमाग काफी तेज चलता होता है, आज के परिस्थिति को वो हम सबसे ज्यादा तेजी से पकड़ते हैं, उनमें सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। तो आज इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो जान रहे हैं कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है, कंप्यूटर में आप अलग अलग प्रकार के सुपर हिट गेम्स खेल सकते हैं। तो आप गांव में ही एक आध कमरे की एक दुकान खोल सकते हैं जिसमें बेंच लगा दीजिए, डेस्क लगा दीजिए, उस पर 4-5 कंप्यूटर फाइनेंस करवाकर आप रख दीजिए और उसमें अलग अलग प्रकार के वीडियो गेम्स डाल दीजिए। आधे घंटे खेलने का 30 रुपया, 15 रुपया, 10 रुपया जो आपको लगता है वो चार्ज कर दीजिए, फिर 1 घंटे खेलने का। इस तरह से आप गांव में बच्चों को रझाने के लिए अलग अलग प्रकार के गेम्स वहां रख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप सोच सकते हैं कि गांव में वीडियो गेम स्टेशन आप खोलकर काफी बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, चौथा बिजनेस है गुड्स ऑफ हेवी सेल।
हेवी सेल मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज हो जिसको आप बल्क में सेल आउट करते हैं और भीड़ हुजूम जुटती है उसको खरीदने के लिए, उसी को हेवी सेल कहा जाता है। आप इंडियामार्ट.com पे जाइए, वहां सर्च कीजिए कि शर्ट के होलसेल विक्रेता कौन है, जो भी मिलते हैं उनसे आप बल्क में शर्ट उठाइए, 40 से 50 रुपए में बेहतरीन क्वालिटी के शर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो आप आराम से 200 रुपए तक मार्केट में बेच सकते हैं। आप सुनते होइएगा, सेल सेल सेल, बंपर सेल, आ गया 150 में 500 का माल। दोस्तों दिन भर में 10 शर्ट्स भी अगर आपके बिक जाते हैं 150 रुपए मुनाफे से, आप प्रतिदिन 1500 रुपए गांव में रहकर कमा लेंगे। लोग जरूर खरीदेंगे क्योंकि सस्ती कीमत पे अगर बढ़िया चीज उनको मिलती है तो वो खरीदते हैं। और फिर बात उसी गांव की तो नहीं है ना, वहां अगर मार्केट है, चौक है, चौराहा है, तो वहां 4-5-10 गांव के लोग आते हैं एक साथ खरीदारी करने। तो ये एक चौथा बिजनेस के रूप में आप शुरू कर सकते हैं बल्क में। आपको करना भी कुछ नहीं होगा, आप एक बार में बल्क में 50-60 शर्ट्स को ले जाइए, प्लास्टिक में पैक है, एक आध को खोल कर भी रख दीजिए और मार्केट में जाकर उसको फैला दीजिए। लोग खुद आएंगे, उठाएंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे, खरीदेंगे। अभी दोस्तों जो पांचवा बिजनेस है वो तो काफी बेहतरीन है, अब तक जो मैंने बताया है उसमें भी सबसे सुपर हिट आइडिया है। अभी तीसरे बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि गांव में वीडियो गेम खोलकर आप कमा सकते हैं, तो ये वैसा तो नहीं है लेकिन उससे काफी बेहतरीन है, और ये है गांव में कंप्यूटर अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कंप्यूटर को उपलब्ध कराइए। इसमें क्या होगा कि गांव में जो तीसरे चौथे पांचवे के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में कंप्यूटर सीखना है ये कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है, ये आप जानते होइएगा। वो मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, फिर उनके गार्जियन बोलते हैं कि जो मैट्रिक का एग्जामिनेशन होने और रिजल्ट आने के बीच का जो 3 महीने का समय है, इसमें जाकर जाइए, आप कहीं से कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो लेकर आइए। लेकिन अगर आप तीसरे चौथे के लिए भी कंप्यूटर शिक्षा अगर गांव में उपलब्ध करा देंगे तो जो गार्जियन है वो निश्चित रूप से आपके संस्थान में बच्चों को भेजेंगे। तो आप 4-5 कंप्यूटर फाइनेंस कराकर उससे कंप्यूटर एजुकेशन का जो क्लास है वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें चौथी पांचवी के बच्चे भी आकर आराम से शिक्षा ग्रहण कर सके। फी रख दिए 500 रुपए। अब आपके पास अगर 50 बच्चे 100 बच्चे सीख रहे हैं अलग अलग टाइमिंग पे, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप कितना हेवी अमाउंट कमाने वाले हैं गांव में रहकर, और फिर इसी को बड़े यूनिट में कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं, शुरुआत करने के लिए काफी बेहतरीन है। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है 6 बिजनेस सुपरमार्केट का। गांव में सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अगर आपने शुरुआत कर दी है तो मान के चलिए कि आपकी बिक्री धड़ल्ले से होने वाली है, क्योंकि अगर किराने दुकान में हम सामान खरीदने जाते हैं तो जो लिस्ट में सामान होता है या हमारे दिमाग में होता है उतना ही सामान लेकर लौटते हैं, एक आध सामान अगर एक्स्ट्रा दिख जाए तो ले लें, फिर भी एक्स्ट्रा नहीं लेते। लेकिन सुपरमार्केट में अगर हम 2 सामान लेने गए हैं तो 5 सामान की खरीदारी कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहां जो भी सामान रखी होती है वो खुले में रखी हुई होती है, वहां पर गार्ड्स होते हैं, आप गार्ड को रख सकते हैं, एक गार्ड को वहां गेट पर रख लीजिए, आप बिलिंग काउंटर पर खुद बैठिए और 1-2 लड़के को रख लीजिए जो इधर उधर घूम रहे हैं, कस्टमर्स पर ध्यान बनाए रखे हुए हैं, ऐसे में आपकी बिक्री काफी बढ़ जाएगी। लोग इस नए कॉन्सेप्ट को देखकर आपकी दुकान में ज्यादा आएंगे क्योंकि ये सुपरमार्केट है, यहाँ दूध दही की भी आप सेलिंग करते हैं, प्याज अदरक लहसुन की भी सेलिंग करते हैं, यहाँ पर आप पैक्ड आइटम भी देते हैं, दालचीनी हर एक चीज, सरसों तेल, क्रीम, साबुन, शैम्पू, सब चीज की सेलिंग आप कर रहे हैं, एक सुपरमार्केट है। तो ये सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट भी गांव के लिए काफी बेहतरीन है। आप इन 6 बिजनेस के बारे में विचार कीजिए, एक से बढ़कर एक, अलग से अलग हटकर ये बिजनेस है गांव के लिए, एक बिजनेस से आप काफी बेहतरीन कमाने वाले हैं। शुभकामनाओं के साथ मिलता हूं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।